दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं हूँ संजय शर्मा। अभी हमारे बीच दानापुर के DRM साहब श्री प्रभात कुमार यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने आश्वासन दिया कि फुट ओवर ब्रिज स्लाइडिंग और पुराना बुकिंग काउंटर की मरम्मत की जाएगी और जल्द ही ये फ्लाई ओवर ब्रिज का काम जो 1.5 से 2 महीने का उन्होंने समय लिया है जो जनता को सौंपेंगे और सौगात देंगे। है मेरी खास रिपोर्ट, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट से बुकिंग बहुत ज़्यादा बीड़ी का होता है का। ये पानी उनी में जैसे भीग जाता है प्लेटफॉर्म पे, अब तक गोदाम वोदाम है नहीं, इसमें 2 नंबर खुले में बड़ा रहता है सर, ये बराबर लगातार ये समस्या है। करना चाहिए जी, उसमें एक छोटा सा भी गोदाम होना चाहिए। उनको कई बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, सीनियर डीसी को ही मालूम होगा, रिप्रेजेंटेशन मतलब आपके लेवल पर भी दिया गया, GM के लेवल पर भी दिया गया, वाणिज्य के अधिकारी हैं उनको देना चाहिए कि यहाँ पे कितनी बुकिंग हो रही है। उस हिसाब से क्या सोरेन कहाँ है, SS कहाँ है, SS लॉकडाउन में ड्यूटी होता था, सप्ताह में 2 हज़ार लॉकडाउन जो पानी अगर पड़ गया तो सारा बिड़ी व्यवसाय को काफ़ी हानि होना पड़ी होती है। यहाँ पे रखा जाता है जहाँ जहाँ यात्री उसी के पैकेट पर जो है पैसेंजर वगैरह कई टाइम बैठ भी जाते हैं, बेंच वगैरह का अगर फूल है तो उस पर बैठ जाए तो उसमें भी ट्रेडर्स वगैरह को रहता कि हमारी बड़ी बर्बाद होती है और अक्सर ऐसा होता ही रहता है। बात करते हैं, कुछ सेट बनाने पड़ेंगे उसके लिए जी, जो कवर सेट बनाएंगे उसमें जगह मार कर सकते हैं कि वही जगह पे आप, हाँ हाँ वो एयर मार्क कर दिया जाए कि ये बात करते हैं सर, चाहिए उनके लिए जमुई लिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है स्टेशन में सर, यार्ड ये शेड की कमी बहुत है सर, प्लेटफॉर्म ने प्रपोज तो किया है, देखिए सैमसंग ने प्रपोज किया, सीट कमी है, लोग धूप में खड़े रहते हैं और जितने वाटर बूथ हैं प्लेटफॉर्म वो अनकवर्ड हैं तो वो गर्मी के दिनों में उसका पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है तो लोग न तो पैसेंजर वहाँ खड़ा हो पाते हैं न वो पानी यूटिलाइज कर पाते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर छोटी छोटी छतरी अगर हो जाए वाटर बूथ के, हाँ जितने भी वाटर बूथ हैं और शेड के अभाव में तो लोग जो एक दो को गाछ हैं गनीमत से प्लेटफॉर्म पर उसी का सहारा लेते हैं। अभी अभी आपको शेड तो बढ़ना चाहिए जी, कुछ वर्क हमें लिया हुआ है बट है कि टाइम लगता है, प्रोसेस से उसको पूरा करना होता है, तो शेड की ज़रूरत है। आइए जी, और कुछ नया चीज़ आप नया बताइए, क्या आप क्या रेलवे क्या दे रहे हैं, कुछ ऐसा है ना कि फैसिलिटी बढ़ाएंगे जब कुछ अर्निंग हो रहा हो वहाँ ज़्यादा, कुछ क्या बढ़ता है, गुड शेड में अर्निंग हो रही है तो अभी कैसे उसको थोड़ा सा गुड शेड में यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात आ रही थी कि भाई अदर देन बार सेंट जो है NPO हमने बनाया था, कुछ उसे इम्प्रूवमेंट किया था बट वहाँ कोई चेक आने को तैयार नहीं है, बोला है कि हाफ रेट सीमेंट के लिए बात कर लो उसे, हाफ रेट सीमेंट खाली हो सकता है, NPO तो बना हुआ है उसका, यहाँ पे सैंड लोडिंग होती है, हम ट्राई कर रहे हैं कि सैंड और स्टोन दोनों को फुल रेखा लाइन मिल जाए वो, ताकि दिक्कत नहीं हो उसको, अभी क्या है कि वो आधे में सैंड लोड कर रहे हैं आधे में इसलिए स्टोन चीज लोड करते हैं तो दिक्कत होती है उसमें, तो करते हैं धीरे धीरे उसको, क्या दिक्कत है, इस साइड से सेंटिंग लग नहीं आता सर, इसी लाइन में निकाल चलाने में क्या दिक्कत है, गाड़ी खड़ी है उसमें से उसमें वो उसी में हम लोग बोल रहे हैं सर करने की उसमें दे दे ना, नहीं है सर इधर लाइन में क्या खराब होता है, इधर है सर एक तो इंजन लाइन है लेकिन उसमें 29 गाड़ी जाकर के क्लियर करता है, 29 बॉक्सिंग करता है, और उसके बगल में तो मैं हूँ सर, अब तक डाउन में उसको उतारेंगे तो प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ लेकिन जब उसको आप में जब मैं होगा जब उधर सेंटिंग नहीं है पूरा तो वो तो सर यहीं क्लियर करके घुस जाएगा ना, वो तो ले जाएंगे इस सर हावड़ा इंड ले जाएंगे, हावड़ा इंड को लेकर के दिल्ली यहीं से क्लियर कर पाएगा सर, उसको तो प्लेसमेंट नहीं तो आप तो बोल रहे ना तो उधर उनकी, लेकिन सर जो भी लोड हमको फॉर्म करना है उसको तो हमको तो आपसे चलाना, ये बताइए कि पैसे ले जाएंगे
कैसे बैक करें? हाँ हाँ जाएगा, नहीं जाएगा गाँव में, नहीं जाएगा क्या? कैसे कैसे खिंचाएंगे ये कैसे लगेगा? डाउन में सर आ गई, डाउन मेन लाइन किसी भी लाइन में, इसको इसको हवड़ाइन उठाए, इस लाइन से इंजन लाइन में ब्रिज तक जाएगी, ठीक है? ये एफ ओ पी जहाँ है ये वाला जो पुराना वाला वहाँ तक जाके फ्रंट सिग्नल क्लियर कर जाएगा, उसके बाद यदि हैंड पॉइंट देता है बना करके खुद जाएगा। नहीं ये पूरा पूरा रेक 58 का चला जाएगा? हाँ चला जाएगा सर, यहाँ क्लियर होगा, लेकिन अब मैं उसको सेकंड लूप वगैरह में सेकंड लूप अच्छा, करने हाँ, में चलाने में फिर हाँ दिक्कत है, बस यही साइड एक क्रॉस ओवर ले लीजिए उस साइड में, हाँ उस साइड में चलाने के लिए, नहीं तो फिर आपको बैक करके आपके हाँ फिर सर फिर बैक करके दूसरे लाइन में बुलाना। अगर अंदर से बढ़िया है तो किसी को ऑफिस में दे दिया जा सकता है, दिल्ली तो अच्छा लग रहा है। अगर जमीन अंदर से ठीक है यूज हो सकता है, किसकी नीति बहुत अच्छा है।